ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस छोटे से वीडियो में हम आपको महाभारत से सीखे जाने वाले बहुमूल्य सबक के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं कि महाभारत से हम सबको क्या क्या सीखना चाहिए, किस पात्र ने हमें क्या सिखाया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक वीडियो को। दोस्तों महाभारत के युधिष्ठिर से हमें सीखना चाहिए कि युधिष्ठिर की तरह कभी भी जीवन में जुआ नहीं खेलना चाहिए। कर्ण हमें सिखाते हैं कि अपने जीवन में कभी भी दुष्ट का एहसान नहीं लेना चाहिए। धृतराष्ट्र सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी हद से ज्यादा पुत्र मोह में नहीं पड़ना चाहिए। कुंती हमें सिखाती हैं कि जीवन में हमें कभी भी अनुचित बात का प्रयोग नहीं करना चाहिए। द्रौपदी हमें सिखाती हैं कि हमें कभी भी अनुचित जगह पर बिना सोचे समझे हंसना नहीं चाहिए। पांडु हमें शिक्षा देते हैं कि हमें कभी भी काम के वशीभूत नहीं होना चाहिए। महाभारत के दुर्योधन ने हम सबको सिखाया कि हमें कभी भी अनाधिकार ही जीवन में हठी नहीं होना चाहिए। भीष्म ने हमें सिखाया कि हमें कभी भी अनुचित प्रतिज्ञाओं में बंधना नहीं चाहिए। प्रतिज्ञा लेने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। दुशासन ने सिखाया कि हमें नारी का कभी भी जीवन में अपमान नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा ने हमें सिखाया कि कभी भी हमें जीवन में अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। शांतनु ने सिखाया कि कभी भी अपने जीवन में काम के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। काम का आसक्ति मनुष्य को कभी भी कोई भी कार्य करा सकता है, इसलिए काम से आसक्त कभी नहीं होना चाहिए। महाभारत की गांधारी ने हमें सिखाया कि नेत्रहीन का अनुसरण कभी जीवन भर नहीं करना चाहिए। परीक्षित जी ने सिखाया कि हमें जीवन में कभी भी क्रोध में आकर कोई अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। द्रोणाचार्य ने सिखाया कि जीवन में कभी भी अर्ध सत्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और शल्य ने सिखाया कि कभी भी हतोत्साहित करने वाले की संगति में नहीं रहना चाहिए। और अब बात करते हैं कि महाभारत के कौन से पात्र ने हमें यह सिखाया कि यह जीवन में जरूर कीजिए। तो महाभारत के अभिमन्यु ने हमें सिखाया कि जीवन में हमें हमेशा वीरता अपनानी चाहिए, वीरता के साथ अपने धर्म युद्ध में आगे बढ़ते जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हमेशा कोई भी परिस्थिति आ जाए धर्म का ही साथ देना चाहिए। विदुर जी ने सिखाया कि हमेशा हमें अस्पष्टवादी और शुभचिंतक बने रहना चाहिए। घटोत्कच ने सिखाया कि हमें जीवन में कभी भी अगर जरूरत पड़े तो धर्म कार्य में सहर्ष ही बलिदान देना चाहिए। और अर्जुन ने सिखाया कि अपनी बागडोर हमेशा भगवान के हाथों में बिना कुछ सोचे समझे सौंप देना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हैं जो हम सबका कल्याण करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।